बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम तब्दील करने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और अल हयात जो ता हयात थी या अल हयात जो ता हयात बंद हो गई है, या उन्होंने कहा जी कि गुलशन हयात। मैं तो ये कहता हूँ कि एक दफ़ा गुलशन उजड़ जाए फिर उसको आबाद करना, उसमें उसको हयात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानजेब आलम अगर गुलशन हयात के नाम से नारा लगा रहे हैं तो उनको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स परेशान हैं, इन्वेस्टरों का पैसा डूबा हुआ है। लेकिन जानजेब आलम की एक बात मैं आपको बताऊँ, मुझे 3 दिन कबल एक कॉल आती है और एक शख्स जो माजूर होता है उसे कहा जी मेरी 17 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और मैं सरगोधे से आया हूँ, पाक फौज का गाजी हूँ, तो मेरे वालिद साहब भी फौत हो गया, मुझे पैसे नहीं दे रहे। खैर मैंने किसी के जरिए जब जो उस बंदे की बात सुनी तो फिर मैंने जब रब्ता किया कंपनी के चेयरमैन से, सीईओ से, मैंने कहा यार आप क्यों नहीं पैसे दे रहे, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट भेजे कि भाई हम तो उसको पैसे दे रहे हैं, थोड़ी सी कंपनीज में क्लैशेज आए हैं, हम मजीद भी जो इन्वेस्टर हैं हम उनके साथ मामलात कर रहे हैं और जल्द इंशाल्लाह तमाम इन्वेस्टर्स को पैसे वापस मिल जाएंगे। अच्छा कुछ लोग, कुछ कमीशन एजेंट, उन्होंने एक वीडियो बनाई, मैं जाहिद राणा का नाम लूंगा जिसने वीडियो बनाई, और लोग अब मुझे कह रहे हैं जी कि जाहिद राणा ने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाई है, तो जाहिद राणा के पास अगर सबूत हैं तो सामने लेके आए। ताहिर नसीर डंके की चोट पर बात करता है, डकी छुकी बात किसी से करता नहीं है। मुझे 2 कमीशन एजेंटों की कॉलें आई और उन कमीशन एजेंटों ने कहा जी के आपके साथ फलां फलां लड़के होते थे वो किधर गए। मैंने कहा मैंने तो उनको फारिग कर दिया, मैंने स्क्रीन के ऊपर नंबर भी इसलिए अपना देना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे भी कुछ कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी। तो जब मुझे सबूत मिल गया तो उसके बाद मेरे साथ जितने भी लोग थे उन तमाम लोगों को मैंने फायर कर दिया, उन तमाम लोगों को मैंने इदारे से निकाल दिया। वॉच टाइम्स को मैं खुद रन कर रहा हूँ, कोई मेरा टीम का मेम्बर नहीं है। जो थे उन लोगों की कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मैंने उनको फायर कर दिया। नाज़रीन आपको एक बात और बता दें, बिटकॉइन के हवाले से बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मिलकर हाफिज अताउल्ला की कुछ ऐसी चीज़ें आवाम के सामने रखना चाहते हैं कि वो खुद अंदाज़ा करें कि हाफिज अताउल्ला किस तरह का फ्रॉड करेगा, क्योंकि बिटकॉइन कुछ भी नहीं है। अब एक वीडियो जो वायरल की गई है उसमें टोटल $75 हैं बाइनेंस के, और कहा जा रहा है कि बाइनेंस के जरिए हम अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको विड्रॉ देंगे, जबकि दूसरी जानिब कोई डिविडेंड फंड है उनके पैसे रोक दिए हैं हाफिज अताउल्ला ने, उसकी भी कंप्लेनें आ रही हैं। फिर आपको ये भी मालूम है कि स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो नौसरबाज मालिक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के दावेदार हैं जिन्होंने कंपनीज ला नहीं पड़ा, नवीद अख्तर, उनके साथ जो बड़े नौसरबाज जुड़े हैं, मलिक नवीद हो गया, उनके साथ बड़ा नौसरबाज जुड़ा हुआ है राजा रियाज हो गया, इमरान कियानी हो गया, राना इमरान हो गया। मैं कितने अरसे पहले आप कह दिया था कि स्मार्ट ग्रुप एक फ्रॉड है, एक ऐसा ड्रोना ख्वाब होगा कि आप सर पीटते रहेंगे, क्योंकि इन नुसरबाजों ने अब इदारों को अपने साथ मिला लिया है, ये अब हड्डी खिलाना शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए जो इंक्वायरीज थी उनके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता काम रोक दिया गया है, क्योंकि जो नवीद अख्तर है उसने तो पाकिस्तानी अवाम से लूट मार करनी है, उस लूट मार में से अभी तक जो मेरे पास इतला आई है 75 करोड़ रुपया नवीद अख्तर नुसरबाजी करके अवाम से उठा चुका है, और ये नौसरबाज जो है लोगों को मुख्तलिफ जान से देकर, कभी उनको कहता है मैंने दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया है, कभी कहता है दुबई में मैंने मर्चेंट रजिस्टर्ड करवा लिया है, ये इस तरह के फ्रॉड कर रहा है और पाकिस्तानी अवाम को दोनों हाथों से लूटेगा। फिर आपको ये भी मालूम है कि अलसफा ग्रुप के मलिक तौकीर अवान, उनके फ्रॉड की दास्तानें वो भी आपके सामने हैं, दीगर कितनी कंपनीज आती हैं वो आपके सामने है। ISMR ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से एक बड़ी जो डेवलपमेंट मेरे सामने आई थी, मैंने सोचा आपको बता दूं, आपको आगाह कर दूं, मेरा काम है कि जो सच मेरे सामने आए वो मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आप किसी अंधेरे में ना रहें। ISMR ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं शौकतुल्लाह मरवत, जो अभी रिसेंटली पंजाब पुलिस की कस्टडी में थे, मेरे तक इतला ये पहुंची कि वहाँ पर राजीनामा हुआ और इन बुनियादों पर राजीनामा हुआ है, शौकतुल्लाह मरवत ने कुछ और चेक्स उनको दिए हैं, जो उनकी अमाउंट थी उस अमाउंट के चेक्स दिए हैं और फिर जाके राजीनामा हुआ है। अब शौकतुल्लाह मरवत ये दावा कर रहा है कि अगर उसके तमाम केसेस ख़त्म हो जाते हैं, अगर शौकतुल्लाह मरवत को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो शौकतुल्लाह मरवत ये दावा कर रहा है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर
तमाम इन्वेस्टर्स का पैसा उनको वापस कर दूंगा। लेकिन ताहिर नसीर का दावा इससे बिल्कुल हटके है। शौकतुल्लाह मरवत को अगर जमानत मिल जाती है, उसको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, तो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि शौकतुल्लाह मरवत पाकिस्तान से भाग जाएगा, क्योंकि अभी तक वो बहुत पहले भाग जाता अगर उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ना होता। जब वो बलूचिस्तान गया तभी मैंने आपको बताया कि मौसूफ बलूचिस्तान के रास्ते बाहर भागने की कोशिश करेंगे। अब वो क्योंकि पाबंद सलासल हैं, लेकिन वो भी दावा कर रहे हैं कि वो तमाम इन्वेस्टर्स को 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस करेंगे। जो लाहौर के मुकदमे थे उनमें जो इतला मुझे मौसूल हुई है कि शौकतुल्लाह मरवत का उन मुद्दईयों के साथ रजीनामा हुआ है, शौकतुल्लाह मरवत ने उनको चेक्स दिए हैं तब उसको जमानत मिली। अब रहे इस्लामाबाद के, फैसलाबाद के मुकदमे, कराची के मुकदमे, अब शौकतुल्लाह मरवत ये ऐलान कर रहा है कि वो 1 साल के अंदर अंदर तमाम इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दे देगा। अब मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूँ शौकतुल्लाह मरवत से या उसके जो लोग अभी मार्केट में दोबारा से उठना शुरू हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, कि शौकतुल्लाह मरवत ने तो तमाम पैसा दुबई मुंतकिल कर दिया, तो वो पैसा दुबई से मंगवा कर लोगों को वापस क्यों नहीं कर रहा? वो लोगों को अब दोबारा चेक दे रहा है, वो होगा यही वो चेक बाउंस होंगे या वो जो अकाउंट है वो अकाउंट पहले ही शौकतुल्लाह मरवत ने बंद करवा दिया होगा? ये लोग तो इसी तरह का नौसरबाजी करते हैं, 1 साल में आपको पैसे में वापस मिलेंगे, इसकी श्योरिटी क्या होगी? ये तो आप शौकतुल्लाह मरवत या उनकी जो लीगल टीम है आप उनसे पूछें। मेरे पास सवाल आया था तो मैंने वो भी आपके सामने रख दिया है। अब बिटकॉइन के जो हाफिज अताउल्लाह हैं, जो फैसलाबाद में बैठ कर पाकिस्तानी अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, हाफिज अताउल्लाह उनका कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है, वो बेसिकली जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने अपनी एक्सचेंज बनाई है, अपनी वेबसाइट के ऊपर वो वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं और वहीं पे बिटकॉइन ऊपर भी जाता है, डॉलर ऊपर भी जाता है, डॉलर नीचे भी आता है, क्योंकि उन्होंने एक बाइनेंस के हवाले से एक वीडियो शेयर की, टोटल $75। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि $75 और इनके जो मेम्बरान की तादाद है वो 2000 से भी ज़्यादा है। अब कुछ मेम्बरान ने हमारे से रब्ता किया, उन्होंने हमें नाम भी बताए, वो हम उन जो कमीशन एजेंट हैं उनकी तस्वीरें भी ढूंढ रहे हैं और आप तक उनकी तस्वीरें भी पहुंचाएंगे कि बिटकॉइन के हाफिज अताउल्लाह के साथ यही किरदार हैं जो पाकिस्तानी अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर लूट रहे हैं। बिटकॉइन के जो हाफिज अताउल्लाह हैं उन्होंने जब मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, उन्होंने मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग की, उन्होंने कहा जी आप तो बहुत छोटे यूट्यूबर हैं तो मेरा नुमाइंदा आपके साथ लाइव प्रोग्राम करेगा। तो बिटकॉइन के हाफिज अताउल्लाह को खुला चैलेंज है, वो खुद आ जाए या उसका कोई भी जो डाउट है वो आ जाए, आके लाइव सेशन हमारे साथ करें और हमें बताए कि वो मनी जनरेट कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि टोटली मनी रोटेशन की जा रही है। जिन लोगों के पास 10-10 लाख बिटकॉइन है, आप वो 10 लाख 3 लाख बिटकॉइन हाफिज अताउल्लाह को सेल आउट करें, उसे कहिए हमें पैसे दो, वो आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसने लूटना है, उसने एक ऐसा प्लान बनाया है, ऐसे डिब्बे में बंद कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि वो उस डिब्बे से पाकिस्तानी अवाम बाहर इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि उनको नई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उनको प्रॉफिट मिल रहा है। ये स्कैम जो है HFC स्कैम हुआ था, आपको याद है, 28 अरब रुपये का, उससे बड़ा स्कैम हाफिज अताउल्लाह पाकिस्तान में करेगा और पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह लूट रहा है वो आपके सामने है। अब जो स्मार्ट ग्रुप के मालिक हैं नवीद अख्तर, पहले दिन से दावा कर रहा हूँ कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है, सिर्फ लूट मार की जा रही है। उनके साथ तमाम अलहयात ग्रुप के जो नौसरबाज कमीशन एजेंट थे वो मिल गए हैं, अब वो दोनों हाथों से पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं। मैंने नवीद अख्तर से भी कोशिश की कि जान सकूँ कि जनाब आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो बता दें कि आप कहाँ से जनरेट करते हैं, लेकिन वो नौसरबाज है, नौसरबाज तल्ख सवालों के जवाब दे नहीं सकते। फिर उसके बाद अलहयात ताहयात बंद, क्योंकि वो कह रहे हैं गुलशन हयात, गुलशन उजड़ चुका, उसको आबाद करने के लिए जानजेब आलम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जानजेब आलम का दावा था 2.75 अरब रुपये की प्रॉपर्टी है, तो जानजेब आलम वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके लोगों को क्यों नहीं देता? जानजेब आलम के जो कमीशन एजेंट हैं, अब मुझे परसों वीडियो एक मौसूल हुई, अल्लाह ज़िंदगी दे जमाल खान को, क्योंकि जमाल खान के साथ मेरा पुराना ताल्लुक है, तो जमाल खान की गाड़ी को हादसा पेश आया मोटरवे के ऊपर और अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया, टायर ब्रस्ट हो गया था, फिर वीडियोज़ भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि जमाल खान के साथ मेरा एक अपना रिलेशन, जमाल खान भी एक व्लॉगर है, एक्चुअली कमीशन एजेंट तो है लेकिन वो क्योंकि हमारी फील्ड के साथ वाबस्ता है तो इसलिए मेरी उसके साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। फिर बाकी जो और कमीशन एजेंट हैं, राणा जाहिद हो गया, वकास हो गया, समीर जदून हो गया, अजहर हो गया,
दीगर और जो नए नए कमीशन एजेंट, आजम एक था बंदा, अब उनकी तस्वीरें भी मेरे पास आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में इन कमीशन एजेंटों के ऊपर खसूसी रोशनी डालेंगे। और जहांज़ेब आलम के साथ मिलकर आप तमाम लोग भी जो इन्वेस्टर हैं, आप इन कमीशन एजेंटों के खिलाफ दरख्वास्तें दें तो मेरा ये दावा है आपका सरमाया, आपका पैसा आपको ज़रूर वापस मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।